गुजरात में कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 43 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। पोरबंदर से अर्जुन मुडवाडिया फिर आजमाएंगे किस्मत। जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, किसानों और युवाओं पर रहेगा विशेष फोकस। आज अमृतसर, सुंदरनगर और सोलन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। हिमाचल चुनाव के लिए रविवार को जारी होगा बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट, 12 नवंबर को है 68 सीटों पर मतदान। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 दिसंबर को मतदान और 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अर्जी पर 10 नवंबर को होगी सुनवाई, सीजेआई ने प्रदूषण पर जताई चिंता। केजरीवाल ने कहा प्रदूषण के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जिम्मेदार नहीं, यह समस्या पूरे उत्तर भारत की है। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, संबित पात्रा ने केजरीवाल पर लॉकडाउन में घोटाले का आरोप लगाया, पात्रा बोले केजरीवाल की नीयत में प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण पर छिड़ा पोस्टर वॉर, बीजेपी ने केजरीवाल को बताया हिटलर। हिमाचल के कांगड़ा में रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा की हुंकार, लगवाए नारे, पूछा हाउ इज द जोश, प्रियंका बोली हिमाचल में इस बार बनने जा रही है कांग्रेस सरकार। उधर कांगड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा जनता ने बनाया परिवर्तन का मन। हिमाचल चुनाव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरी जीत की हुंकार, डबल इंजन गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी का दिया नारा, बोले सबका साथ सबका विकास मंत्रों के साथ फिर करेंगे काम। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के पास एक भी काबिल नेता नहीं जिसके चेहरे पर लड़ सके चुनाव। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रैली की, बोले हिमाचल में 2 लाख करोड़ के बजट से सड़कों का होगा निर्माण। लखनऊ में अपना दल सोनीलाल पटेल के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को दोबारा चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई, झारखंड की एक कंपनी पर आर्मी लैंड स्कैम केस में छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्तार अंसारी का बेटा गिरफ्तार हुआ, ईडी की कार्रवाई हुई। जबकि गुजरात के कच्छ में केजरीवाल की आज 2 रैली, कल ही सीएम उम्मीदवार को किया ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी गुजरात दौरे पर हैं, अहमदाबाद में करेंगे 3 रोड शो। यूपी बीजेपी के महामंत्री और कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर को बताया हिंदुओं की एकता का नतीजा, बोले हिंदुओं की ताकत से ही पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। इटावा में शिवपाल यादव की बेटी आदित्य यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर परिवार की एकजुटता के लिए संकेत, कहा अखिलेश भैया समेत पूरा परिवार लेगा फैसला। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है मैनपुरी लोकसभा सीट, आदित्य यादव ने निकाय चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में शिवपाल यादव के लड़ने की भी चर्चा, अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी सरकार में निष्पक्ष और स्वतंत्र उपचुनाव संभव है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का जेडीयू पर निशाना, बोले दावा कर रहा हूं कि जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में होगा विलय। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा ईडी को चुनौती देना उनके डर और अहंकार को दिखाता है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीएम एकनाथ शिंदे ने पंचायत चुनाव के नतीजे का दिया हवाला, कहा कौन असली शिवसेना कौन नकली ये जनता ने बता दिया है। सीएम शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बताया प्रोएक्टिव, महाराष्ट्र के विकास में फडणवीस का गिनाया योगदान। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले आदित्य ठाकरे हम कर रहे हैं अपने सिद्धांतों की राजनीति। आदित्य ठाकरे का सीएम शिंदे पर वार, बोले सरकार बनाने के लिए कभी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं की। अपने ऊपर हमले के बाद पहली बार बोले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, मेरे मार्च से डरी सरकार, का एक दिन पहले ही पता था वजीराबाद में होगा हमला। इमरान खान ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर हमले के पीछे नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना की साजिश है। इमरान ने कहा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और उनके पीछे भी सेना के हाथ की आशंका है। इमरान खान ने 3 लोगों का इस्तीफा मांगा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सन्नाउल्ला और डीजी इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैसल नसीर। इमरान ने कहा हमारे सांसदों को किया जा रहा ब्लैकमेल, मीडिया को दिखाई अपनी एक्सरे रिपोर्ट। दिल्ली में तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का पीएचक्यू में तबादला, सुकेश चंद्रशेखर के एलजी को लिखी शिकायत चिट्ठी में गोयल का नाम सामने आया था। सुकेश ने संदीप गोयल को बताया था मंत्री सत्येंद्र जैन का मददगार, संदीप गोयल पर सत्येंद्र जैन के इशारे पर उगाही और खुद को धमकाने का भी आरोप लगाया था।
संजय बेनीवाल होंगे तैयार के नए डीजी जेल, संदीप गोयल की जगह संभालेंगे पदभार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जारी किया फरमान। दिल्ली में प्रदूषण से मिनी लॉकडाउन जैसे हालात हैं, मंगलवार तक पांचवीं तक के क्लास बंद करने के आदेश जारी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सीएम केजरीवाल का बयान, लागू किया जा सकता ऑड इवन फॉर्मूला। बीजेपी नेता तेजिंद्र पाल सिंह बग्गा ने लगाए केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स, तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी के गंभीर आरोपों को बग्गा ने बनाया मुद्दा। यूपी में मदरसों के निरीक्षण को लेकर नया विवाद, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा मदरसों के निरीक्षण को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन ने गलत बताया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन का बयान, सिर्फ जिले का अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ही कर सकता है मदरसे का निरीक्षण। प्रयागराज में फैल रहे डेंगू का रियलिटी चेक करने पहुंचे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, फाउंटेन में भरे गंदे पानी में उतारते दिखे, नजर आए मच्छर। उधर हैदराबाद में ओ परी गाने पर विवाद के बाद म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद के खिलाफ दर्ज केस। यूपी सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए ट्रांसफर किए हैं, वाराणसी हाथरस समेत 6 जिलों के डीएम बदले गए। सागर धनखड़ हत्याकांड में रेसलर सुशील कुमार को मिली अंतरिम जमानत, 12 नवंबर तक रहेंगे जेल से बाहर। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत के बाद जागी गुजरात सरकार, नगर निगम के चीफ ऑफिसर संदीप जाला सस्पेंड। यूपी के जेलों में बदलेंगे नियम, जेल के मैनुअल में हुए 4 बदलाव, अब जेलों में कैदियों को मिलेंगी पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधा। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मुख्तार अब्बास नकवी पर निशाना, कहा भारत में मुस्लिम सबसे सुरक्षित होने का दावा गलत, बोले अपने नंबर बढ़ा रहे नकवी। गुरुग्राम में सीईटी परीक्षा के लिए भीड़ से बचने के लिए प्रशासन की अपील, परीक्षार्थी पहले से ही बसों में करें एडवांस बुकिंग। हरियाणा में सीईटी के पेपर से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए बस की बुकिंग के लिए लगी लाइन में धक्के खा रहे छात्र, भिवानी में बस स्टैंड पर लगी हजारों बच्चों की भीड़। करनाल में जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अस्पताल में बढ़े 15% मरीज, सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा। करौली में कालीसिंध बांध की नहर टूटने से खेतों में भरा पानी, हाल ही में बोया गया गेहूं का बीज बर्बाद। औरैया में पराली जलाते हुए किसानों का वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन के रोकने के बावजूद पराली जला रहे किसान। उधर बिहार के कैमूर में धान की भूसी से रंगोली बनाने वाले आर्टिस्ट अमरीश ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाई जगह, जबकि असम के जोरहाट में विंटेज कारों के साथ विदेशी सैलानियों की डेस्टिनेशन रैली पहुंची, काजीरंगा में दिखने लगा हॉलीवुड सा नजारा। जोरहाट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 60 और 70 के दशक की पुरानी लग्जरी कारें बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। बिहार के मोतिहारी में एक मजदूर की बहादुरी बनी सुर्खियां, कैश से भरा बैग लेकर भाग रहे बदमाशों से लिया मोर्चा, गोली लगने के बाद इलाज जारी। कुशीनगर में क्लासरूम में सांप निकलने से दहशत में बच्चे और स्टाफ, वन विभाग ने किया सांप का रेस्क्यू। रेलवे ने बड़े स्टेशन पर बढ़े हुए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को कम किया, विरोध के बाद फैसला लिया। लखनऊ में बीच सड़क पर कार में आग लग गई, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुर्ग में बंदरों का आतंक, कई लोगों को किया जख्मी, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा इन्हें। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्पेशल सत्र, स्थानीयता को लेकर लिए गए फैसलों पर चर्चा। डेंगू के बढ़ते मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को तलब करके लगाई फटकार, 9 नवंबर को अगली सुनवाई। मंदसौर में पुलिस की कार्रवाई, 30 टन नकली खाद जब्त, कई संदिग्ध सामान बरामद। बाराबंकी में टोल काटने पर भड़के अपना दल के विधायक, टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिला अस्पतालों में घूमते नजर आए आवारा कुत्ते। रोहतक में धरने पर बैठे पीजीआई एमबीबीएस स्टूडेंट्स को मिला आम आदमी पार्टी का साथ। औरंगाबाद के सिल्लोर में महावीर चौक पर सभी के लिए आदित्य ठाकरे को नहीं मिली इजाजत सभा के लिए, पुलिस ने दूसरी जगह सभा करने को कहा। उधर जैसलमेर में भारतीय सेना की 75वीं कवाचित रेजिमेंट ने मनाया स्वर्ण जयंती समारोह, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अमेठी में ट्रैफिक नियम बताने के लिए यमराज के गेटअप में कलाकार, लोगों को जागरूक करने की कोशिश। राजस्थान के पाली में महालक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया तुलसी विवाह, शुभ मुहूर्त में हुई हल्दी से लेकर शादी की सभी रस्में। राजस्थान के करौली में देव उठावनी एकादशी पर अंजनी माता के मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। राजस्थान के भरतपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक कार पर पलट गई, 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि चेन्नई में बिल्डिंग गिरने से हादसा, 1 की मौत, 3 जख्मी।
धौलपुर में सातवीं क्लास के छात्रा को गोली मार दी गई। अस्पताल में भर्ती है छात्रा, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बाराबंकी में युवती का शव बरामद, रेप के बाद हत्या की आशंका। उधर आरा में किराने दुकानदार को बदमाशों ने गोली मार दी, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झालावाड़ में अवैध बजरी खनन मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। उधर मुजफ्फरनगर में रेप के आरोपी युवक का शव बरामद, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शुरू की पड़ताल। अकोला रेलवे पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने के आरोप में युवक को किया गिरफ्तार, 1,80,000 रुपए का सामान बरामद। सीतापुर में रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ ने किया वन्य कर्मी पर हमला, गंभीर रूप से घायल कर्मचारी का इलाज जारी। बांदा में शादी का झांसा देकर युवती से रेप, गांव के ही युवक पर लगा आरोप। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, चोर का पीछा करने के दौरान हादसा। कल्याण में बालू माफिया पर तहसीलदार कार्यालय की कार्रवाई, खनन का सारा सामान जब्त।